और वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि जब आप नई एप्लीकेशन बना रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसको कैसे ओपन करना है, कैसे फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो जैसे आपने कोई डायरेक्टरी बना रखी है, जैसे मैंने बना रखी है VS की, ठीक है, तो आपको विजुअल कोड में डायरेक्ट खोलना है उसको। तो इसमें क्या होगा, आप कोड लिख दो, ठीक है ना, उसके बाद डॉट करके उसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं अगर बनी हुई होंगी तो सारी ओपन हो जाएंगी। तो अभी कोई फाइल नहीं है। अब फाइल आपको क्रिएट करनी है तो देखो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो आप न्यू फाइल, या यहाँ से ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल का, या फिर यहाँ से भी आ रहा है न्यू फाइल। जैसे करोगे टेस्ट डॉट HTML, ये बन गई, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, यहाँ से आप फाइल वगैरह बना सकते हो, फोल्डर बनाना है फोल्डर भी बना सकते हो, फोल्डर डेमो, ठीक है। इसमें कुछ बहुत सारे शॉर्टकट वगैरह हैं, जैसे HTML में आते हैं, इसमें आप सिंपल ये डालना, एंटर करोगे, ये देखो पूरा जैसे HTML का पेज बनता है ना, उसके अंदर HTML हेड वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी में कुछ भी डाल दिया तो वो चीज़ आप यहाँ पे ईजिली कर लोगे बिना इस कोड को लिखे। दूसरा, इसके अंदर एक्सटेंशन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो, इस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर एक्सटेंशन है। जैसे हमें कोई सर्वर बनाना है, लाइव सर्वर, ये देखो लाइव सर्वर, तो आप यहाँ से, मेरा ये इंस्टॉल है इसलिए दिखाई दे रहा है, अगर इंस्टॉल नहीं होता तो नहीं देता। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, आप यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो ये देखो ओपन विद लाइव सर्वर, तो आपका जो ये पेज है ना, जैसे हमारा एक URL बनता है, लोकल होस्ट कुछ पोर्ट बनता है, ये देखो, तो आपका जो भी है पोर्ट ये बन गया कि इस पोर्ट पर चलेगा। इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे आप, इसको सेव कर दो, ये देखो, ठीक है। तो वो इसकी वजह से हुआ है। तो ये एक्सटेंशन होते हैं बहुत सारे, अगर जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो तो JS के मिल जाएंगे आपको, Vue.js के काम कर रहे हो तो Vue के मिल जाएंगे, रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो रिएक्ट के, नोड है तो नोड, PHP है तो PHP, तो यहाँ जो भी एक्सटेंशन डालोगे, जावा पाइथन जो भी, सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा, ये देखो सारे PHP के इंटेलिजेंस हैं कि आप लिखोगे वाइल तो पूरा वाइल लूप क्रिएट होकर आ जाएगा आपका, फोर लूप करोगे तो एंटर मारोगे पूरा फोर आ जाएगा, तो इस तरीके से, या रिएक्ट कर रहे हो तो रिएक्ट में यूज इफेक्ट स्टेट, तो मतलब ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है सब में अलग अलग अपना सारा, एक कोड लिखोगे सारा अपने आप आ जाएगा लिखा हुआ। जैसे कंपोनेंट हम बनाते हैं ना रिएक्ट के अंदर, RFC ये लिखा तो हमारा क्लास कंपोनेंट आ गया, RFC लिखा तो फंक्शन कंपोनेंट बन गया, तो इस तरीके से सारा बन जाएगा इसमें। वो तो टेक्नोलॉजी की बात है, हम आते हैं कोड एडिटर पर, ये हो गया, ठीक है। दूसरा, आपको कुछ भी फाइंड करना, अगर देखो ये जो साइड की चीज़ आ रही है ना, इसको गायब करना है, इस पर क्लिक कर दो, ये पूरा आपको व्यू दिखने लग जाएगा। ये जो कलर आ रहा है ये ब्लैक है, इसको वाइट भी कर सकते हो, वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा आपको, जो इसकी सेटिंग वगैरह की चीज़ें हैं। बाकी कोई भी चीज़ आपको फाइंड करनी है, अब देखो यहाँ पर देखा, आपके पास कोई और फाइलें हैं, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इस फाइल का नाम रख दिया मैंने रीनेम करके एडमिन, ठीक है। अगर आपको फाइलें फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप कंट्रोल पी करना और एडमिन जो भी है देखो ये लिखोगे तो यहाँ पे जितनी भी फाइलें सारी आ जाएंगी एडमिन से रिलेटेड, उस पर एंटर कर देना, वो फाइल ओपन हो जाएगी। देखो ये बंद कर दी मैंने, कंट्रोल पी एडमिन, एंटर कर दिया, देखो फाइल आ गई। अगर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ सर्च करना है, यहाँ देखो सर्च कर दो, क्या सर्च करना है, जैसे मान लो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ API, अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ API, तो देखो API यहाँ पर है। किसी फोल्डर के अंदर करना है, जैसे डेमो के अंदर कुछ, तो यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ फाइंड इन फोल्डर, तो देखो डेमो के अंदर API सर्च करेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, तो ये सर्च का हो गया। इसमें क्या फाइंड और रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, बाकी इसमें और एडवांस टाइप की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करते हैं।